सबसे पहले अयोध्या से आए हुए सभी हमारे गुरुजन, सभी हमारे धर्मों के प्रतिष्ठित सम्मानित महानुभव जो आए हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। नव वर्ष पे जहाँ आज हम सब मिल रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, खुशी के साथ साथ भविष्य हमारा आपका कैसा हो उसके लिए जो भी संकल्प लिया है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। अभी क्योंकि हमारे साथी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वाली बात कह दी, ये बहुत बड़ी लड़ाई की बात है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप सबका आशीर्वाद रहा, इसी तरह से सहयोग बना रहा, तो आने वाले समय में शुरुआत 2022 में उत्तर प्रदेश से हो जाएगी। मुझे खुशी है इस बात की कि इतने महत्वपूर्ण सम्मानित लोग जो एक साथ नहीं चलते कई बार, लेकिन आज एक साथ मिलने का मौका मिला है, यही हमारे समाज की पहचान है, यही हमारा समाज है। सबसे हमारे दिलों को बांधने वाला इंटर रिलीजन फेथ अगर कहीं दिखाई देता है तो हमें अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में दिखाई देता है। हम लोगों ने इधर बहुत मुश्किल दिन देखे हैं, और शायद यहां जितने लोग बैठे हैं उनकी याद में ऐसे मुश्किल दिन कभी नहीं आए होंगे, इतने तकलीफ भरे दिन भी कभी नहीं आए होंगे। कभी कभी राजनीति से तकलीफ के दिन आ जाते हैं, लेकिन वैश्विक महामारी ने जो परिवर्तन दिया, वो जो परिवर्तन आया हमारे बीच में, इतने मुश्किल दिन, इतने खराब दिन, इतने काले दिन हमने नहीं देखे। और सोचो जिन लोगों को, हम में आप में बैठे हुए लोगों को, एक तरफ तो ऐसे काले दिन जो वैश्विक महामारी की वजह से आए हैं, और दूसरे ऐसे काले दिन जो सरकारों की वजह से आए हैं, उन दिनों में हम लोग रहे हैं। ओवरऑल, क्योंकि भगवान राम की जगह पर अगर इतना बड़ा पुण्य काम नहीं होगा तो ऊपर हम जब जाएंगे तो कितने नाराज होंगे। नगर निगम नहीं, बात मत बदलो। मैंने कहा कि जिस तरीके से रोशनी, एक दिन दो दिन तीन दिन की बात नहीं, अयोध्या में रोशनी ऐसी समाजवादी पार्टी की सरकार काम करेगी जो रोशनी या दिवाली हर दिन लगे, और जितने लोग रह रहे हैं उनको टैक्स ना देना पड़े, और वर्ल्ड क्लास सिटी बने। क्योंकि अगर हेरिटेज बचाना है, ट्रेडिशन बचाना है, कल्चर बचाना है, और आप तो लखनऊ अब रहने लगे होगे, कुछ इलाके तो रात में भी रोशनी करते हैं, ये बात अलग है कि विरोधी लोग स्विच ऑफ कर रहे हैं आजकल। अगर जो गोमती के किनारे जो रोशनी थी, इससे बेहतर, इससे सुंदर रोशनी अयोध्या में करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। किसके नाम पर? अब समय कितना बचा है उनके पास? किस बात का नहीं अध्यादेश ला रहे हैं बताओ? सरकार कभी सोचती है अपने फैसलों पर? यही सरकार जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, अगर आप इंटर रिलीजन शादी करते हैं तो 50,000 रुपए मिलेगा आपको, इंटर कास्ट शादी करते हैं तो 50,000 रुपए मिलेगा, और फिर कैसा कानून ला रहे हैं आप? क्या आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में कविता नहीं सुने थे? एक शायद वो लाइनें मैं नहीं बोल सकता, मेरी हिम्मत नहीं है वो लाइनें बोल दूं। न खाऊंगा न खाने देने के बाद जो बात कही थी, क्या आपने नहीं सुनी? हमारे पत्रकार साथी रहे होंगे, हमारी हिम्मत नहीं है वो बात कहने की। अगर किसी और ने कही होती तो जेल चला गया होता आज। लोग चुप क्यों हैं? यही तो बात है, अगर पवन बोलेंगे यहां पर, कोई लोग बैठेंगे तो मुकदमा लग जाएगा। आपके अपने लोग कुछ भी बोले, क्या एक योगी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो सकता है? मुझे बताओ पत्रकार साथियों, अगर किसी ने कविता सुनी हो तो। नहीं नहीं गलत शब्द बोल रहे, वो अक्सर गोरखपुर जाते हैं।
मैं जाने कब गया हूं वहां पर, हमारे लोग जानते होंगे अयोध्या में कितने कहां कब गया हूं मैं, और सभी लोग जाते हैं अयोध्या। मैं किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके हर संघर्ष में समाजवादी पार्टी उनके साथ है। लगातार समाजवादी पार्टी भी मुकदमे लग रहे हैं, लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी किसानों की बात कहती रहेगी। और वही बात मैं दोबारा कहता हूं, जो MSP की बात कही हमारे पंजाब के, हरियाणा के और देश के तमाम अन्य कोनों से जो किसान हैं, वो कौन खराब बात कह रहे हैं? याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने यही तो कहा था कि हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे। तो वो जितने किसान आंदोलन कर रहे हैं या जो गांव में हैं, वो सब ये कहते हैं कि MSP वही मिले जिसमें आय दोगुनी हो, क्योंकि जिस तरीके से झूठ बोलती है सरकार और जिस तरीके से झूठ बोलने का वादा करती है, झूठे भी वादा करती है, ऐसी पहली सरकार होगी जो झूठ बोलती है, झूठ के भी वादे करती है, झूठ बोल करके झूठे वादे, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा होगा। और शायद जितने लोग बैठे हैं, पुराने लोग हैं, उन्होंने ऐसी सरकार नहीं देखी होगी जहां झूठ और झूठे वादे किए जा रहे हो। देखिए, हम अयोध्या के लोगों के लिए कुछ देना चाहते हैं, अगर हमसे चाहते छीन लें हमसे, तो हम कहते हैं फ्री कर दें, आज कर दें, आज राम राज ला दें वहां पे। मैं तो इतनी बात नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जो बात कही है समाजवादी पार्टी ने वो करके दिखाएगी। मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, आपको पता ही नहीं है, मेरे घर के सामने मंदिर है, घर के अंदर मंदिर है, जिस मुख्यमंत्री आवास को छोड़ के आया उसमें सबसे सुंदर मंदिर मैंने बनाया। ये क्या नई बात है आपकी? हाँ, ये बात अलग है कि शेर, चीता और जानवरों को भी रखने की जगह बनाऊंगा। क्या सरकार झूठ बोलती है? और अगर आप पहला शब्द ही मान लें कि सरकार झूठ बोलती है, उसके बाद आकलन करिए। मुझे सरकार ये बताई कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हुए कि नहीं हुए, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर फेक इनकाउंटर हुए कि नहीं हुए हैं, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा हुई है उत्तर प्रदेश में कि नहीं हुई है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए कि नहीं दिए हैं, कई जगह उत्तर प्रदेश सरकार को ये भी निर्देश मिले हैं कि उन्हें जो फेक इनकाउंटर है इस तरह के, उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा सरकार को। क्या यह हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या कोर्ट ने यह नहीं कहा कि जंगल राज है? क्या खुलेआम हमारी बेटियों के, बहनों के साथ घटनाएं नहीं हो रही? क्या झूठे मुकदमों के नाम पर लोगों से वसूली नहीं हो रही? कितना भ्रष्टाचार देखा है लोगों ने, सोचिए आप, जब सबके वेतन में कटौती हो गई, कोई नहीं बचा जिसके वेतन में कटौती नहीं हुई हो कोविड के नाम पर, और सोचो क्या मिला लोगों को। इतना अन्याय कभी लोगों के साथ नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहा। और झूठे मुकदमे जिस पे चाहती उस पे पुलिस लगा देती है। बताओ, IPS क्या किसी के साथ नृत्य नहीं कर रहा था, डांस नहीं कर रहा था वो IPS रामपुर का? याद कीजिए IPS को, क्या आपने व्हाट्सएप पे नहीं देखा उसका डांस? क्या IPS का झगड़ा भ्रष्टाचार पे नहीं देखा आपने, जो पुलिस एनकाउंटर कर देती है कि ऐसे व्यक्ति जिस पे कोई मुकदमा नहीं है और IPS को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उसी IPS ने एक आदमी को मरवा दिया पैसे के लिए। क्या आगरा में अभी एक नहीं जान चली गई ट्रॉली में, पुलिस ने क्या किया? और 10 12 15 20 गांव में पुलिस जा रही है, क्या पुलिस का ये काला चेहरा होगा इस तरह का? पुलिस का क्या IPS इसीलिए बनाई है लोग झूठ बोलने के लिए? क्या सवाल करो, सवाल उनसे करो जाकर के जिनका सवाल सुन करके आए हो। क्या कोरोना या किसको कोरोना है बताइए आप? सरकार मानी नहीं कोरोना, फिर क्यों लगा रहे हो आपने इतना ड्राई रन ये सब?
सरकार ने कब माना कोरोना? कोरोना तब सरकार मानती है जब विपक्ष के लोग कुछ कार्यक्रम करें। ये सरकार जो ताली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी, उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर्स, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली थाली बजा दो, अपने आप कोरोना चला जाएगा। भाई आप खुद बताइए ना, आप खुद सोचिए, जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हों अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? क्यों वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं। ये केवल कोविड उनके लिए, विपक्ष के लिए, कि कोई कार्यक्रम न कर ले विपक्ष, और ये चलाएंगे इसी के बहाने, महंगाई इसी के सामने, बेरोजगारी इसी से, अन्याय छिपाएंगे अपना। क्या नौकरी दी मुख्यमंत्री का, कहिए तो मैं प्ले करा दूं। अभी मैं चाहूंगा कि वो उनका स्टेटमेंट उतना ही प्ले करो जिसके नौकरी और मेट्रो के लिए कहा। उन्होंने कहा 4 लाख 3 लाख नौकरी, फिर 15 लाख, फिर कहा 1.5 करोड़ नौकरी। पवन पांडे जानते नहीं 1.5 करोड़ का उन्होंने रोजगार, और किसी को नौकरी रोजगार नहीं मिला। अरे ये सभासद आए हैं, राम मंदिर जहां बन रहा है वहां के सभासद हैं, आसपास के सभासद हैं, बताओ उनके मोहल्ले में किसको नौकरी मिली है? लोग बताइए, वहां नहीं मिली। तो आप क्या मेट्रो उन्होंने बनाई? क्या आपने टीवी पर नहीं देखा हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे सब मेट्रो बना दी? ये दूसरों की मेट्रो उद्घाटन करते फिर रहे हैं, अपने गोरखपुर की मेट्रो कब बनाएंगे? हमारे लगाए हुए पत्थर भी तोड़ रहे हैं, नाम भी बदल रहे हैं, उद्घाटन का उद्घाटन भी कर रहे हैं। ये पहले दुनिया के मुख्यमंत्री हैं जो अपना उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं, एक एक योजना का 3 बार उद्घाटन कर रहे हैं। अरे आप कह देते मुख्यमंत्री जो निकल रहा था मन से, निकलते निकलते बात रह गई। अरे तो हमारे दोस्त तो कोई बात नहीं थी। देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। नहीं, ये धर्मगुरु हमें अयोध्या फैजाबाद में मदद करेंगे, दूसरे जिले के धर्मगुरुओं को दूसरी जगह हम संपर्क करेंगे और इनसे हम सहयोग मांगेंगे, उनसे भी हमें सहयोग करें। किसानों के लिए मंडी बनवाई थी, आप जाके देखिए कितनी मंडियां बनी थी। मंडियां सब या बेच रहे हैं ये लोग या काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये था कि इनकी प्लानिंग में था कि मंडियों को खत्म करना है। 4 साल से जो मंडियों में काम चल रहा था, उन मंडियों को नहीं काम पूरा किया उनका। फैजाबाद में मंडी बननी है नई, मान लीजिए आजमगढ़ में नई मंडी बननी थी, सुल्तानपुर में नई मंडी बननी थी, गाजीपुर में नई मंडी बननी थी, झांसी में जो मंडी बनवाई समाजवादी ने, जालौन में जो बड़ी मंडी बनवाई, आपके बांदा में बनी नई मंडी, उन मंडियों को काम पूरा नहीं किया और सुविधाएं भी नहीं दी जिससे किसान वहां जा सकें। इसका मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। और जो लोग आटा खाते होंगे वो जानते होंगे पैकेज आटा की जो मांग है, डिमांड है, लगातार बढ़ती जा रही है बाजार में। तो उनकी नजर यही है कि सब कुछ पैक्ड बेचें लोगों को, और साल दो साल में नजर आएगा परिवर्तन कैसा दिखाई देगा। कभी आपने हमने मोबाइल फ्री लिए थे, आज बिल देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा? हमने आपने नोटबंदी सब रुपया जमा कर दिया इस भरोसे पे कि कालाधन चला जाएगा। क्या कालाधन आ गया या कालाधन खत्म हो गया? और फिर कितने पैदल चलने वाले लोगों की जान गई है सोचिए आप। तो इस सरकार के किसी फैसले पे भरोसा जनता को नहीं है। बहुत धन्यवाद, नववर्ष की सभी हमारे पत्रकार साथियों को बधाई शुभकामनाएं, और हमारा आपका आने वाला समय अच्छा हो।